चलो बच्चों, आज हमको स्टार्ट करना है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है? तो इमेज फॉर्मेशन से पहले मैंने आपको रूल्स तो सिखा दिए थे पिछली क्लास में, है ना? हाँ भैया, एक चीज और देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, मान लो ये हमारा लेंस है, ठीक है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। तो मैं ऑब्जेक्ट को एक बार तो कहाँ रख सकता हूँ, इन्फिनिटी पर, ठीक है? तब पैरेलल आ रही होंगी। उसके बाद मैं 2F1 के पीछे रख सकता हूँ, उसके बाद मैं 2F1 पर रख सकता हूँ, उसके बाद 2F1 और F1 के बीच में रख सकता हूँ, उसके बाद F1 के ऊपर रख सकता हूँ, और उसके बाद F1 और O के बीच में रख सकता हूँ। O के ऊपर तो रख नहीं सकता क्योंकि फिर तो मैं लेंस के अंदर ही घुस जाऊंगा ना। तो यही 6 केस हैं जो हमारे मिरर के केस में थे, जो मिरर के केस में थे हाँ वही 6 केस हैं, और बिल्कुल मिरर से ही सिमिलर हैं। जैसे मिरर में बनते थे ऑलमोस्ट वैसे ही सिमिलर बनेंगे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इसको समझने में, ठीक है? या उसमें कॉन्केव में बनते थे ऐसे ना। हाँ, इसमें कॉन्वेक्स में बनेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं एक करके। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, इंफिनिटी पर रखेंगे, ठीक है? एक मिनट रुक करना सर, आपने शायद से कोई गलती कर दी। क्या कह रहे हो? करना तो ये एक कौन सा लेंस है? बार कॉन्वेक्स कल की क्लास में बताया था ना, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ। ये कैसा है? उभरा हुआ है ना, होगा ना, दो साइड से उभरा हुआ। दोनों साइड से। और कॉनकेव का मतलब क्या होता है? घुसा हुआ है, गुफा होगी इसमें, है ना? गुफाएं तो सर, उसका उसमें कॉनकेव और इसमें कॉन्वेक्स दोनों सिमिलर हैं। हाँ बेटा, एक तो तुम्हारी वॉइस बड़ी ऐसी अजीब सी आ रही है, सबको आ रही है क्या ऐसी इसकी? तुम भैया, कहीं पर बैठे हो गया आज अलग जगह? ये अब आ कॉनकेव रही है, हाँ सही से। बेटा। सचिन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को, ठीक है? ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया और ये हमारा कॉनकेव हो गया था, तो मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा था, मैंने सब कुछ सही लिखा था, ठीक है? एक बार पहले देख लिया करो, ऐसे नहीं बोलते किसी को भी, खासकर किसी टीचर को ये नहीं बोलते कभी भी कि सर आपने गलत कर दिया। आपको अगर कोई लग रहा है कोई चीज गलत हो गई है तो भी आपको ऐसे बोलना है, सर एक बार ये दिखाना, या एक बार सर ये देखना, या अगर आपको प्रॉपर अगर किसी टीचर ने गलत कर भी दिया है तो आपको ये बोलना है, सर मेरे हिसाब से ये ऐसा भी हो सकता है। आप सीधा किसी टीचर को ये नहीं बोलोगे कि सर आपने गलत कर दिया, ठीक है? हालांकि टीचर कभी गलत करते ही नहीं है, पर अगर हो भी गई गलती, क्योंकि होता तो हर कोई इंसान ही है, अगर गलती हो गई तो भी आपको टीचर को रिस्पेक्ट से बताना है कि सर शायद ये गलत हो गया, ये नहीं कि सर आपने गलत कर दिया। आई बात समझ में? हाँ, ध्यान दिया करो थोड़ा बोलने से पहले। चलो अब देखो, सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हो जाएगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, ठीक है? जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी, इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी ऐसी, ठीक है? इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज होंगी वो टकराने के बाद क्या होंगी, फोकस पे कन्वर्ज फोकस से होगी। पास होती हुई जाएंगी, ठीक है? फोकस से पास होती हाँ हुई जाएंगी, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट इन्फिनिटी। इमेज हमारी कहाँ बनी है, इमेज बनी है हमारी एट, अब आपको एट F नहीं बोलना है, अब आपके पास दो फोकस है ना, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से फोकस पे बनी है। ऐसा नहीं कि F बोल दिया काम चल गया, F2 बताओ, क्योंकि दो F2 फोकस है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कौन से वाले फोकस पे बनी है। उसके बाद बात करेंगे साइज की, तो साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज्ड। साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज्ड, ठीक पॉइंट है? साइज। और नेचर की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं लाइट रेस क्या है, असल में मीट कर रही है, असल में मीट कर रही है, तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल वेरी गुड, नेचर होगा इनवर्टेड हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया हमारा पहला केस। अब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पास लेके आते जाएंगे। हम बोलेंगे अब हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1, ठीक है? ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड 2F1। बच्चों, जैसे
मेरी इमेज फॉर्मेशन थी कॉनकेव मिरर में, जैसे मेरी इमेज फॉर्मेशन थी कॉनकेव मिरर में, ठीक है, उसी के सिमिलर इमेज फॉर्मेशन होगी मेरी कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, और जैसी थी मेरी कॉन्वेक्स मिरर की उसी के सिमिलर मेरी इमेज फॉर्मेशन होगी कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की, ठीक है। अब इतना ज्यादा रिलेशन अगर बनाओगे तो थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, तो अपना बेसिक को लेकर चला करो, जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको देखते रहो बस, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं भैया। हाँ अच्छा, ठीक ठीक है। अब की बार मैं रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब मैं 2F1 के पीछे रख दूंगा, ये मेरा F2, ये 2F2, ये F1 और ये 2F1, ये हो गए हमारे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब 2F1 के पीछे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट भी रख लेंगे, ऑब्जेक्ट की हम कुछ हाइट भी रख लेंगे, एक आएगी पैरेलल, तो इसके पास होने के बाद वो कहाँ से होती हुई जाएगी, पास होने के बाद वो फोकस फोकस से होती जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो हमारी दूसरी हम फोकस से लेकर चले जाते हैं, दूसरी हम क्या कर रहे हैं, फोकस से लेकर चले जा रहे हैं, ये ले गए हम फोकस से, तो जो फोकस से गई है वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इमेज हमारी यहाँ बन रही है बिटवीन F2 एंड 2F2। हाँ, तो ऑब्जेक्ट रखा था मैंने बियॉन्ड 2F1। भैया इसमें भी हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं ना। हाँ ठीक है, और इमेज हमारी कहाँ पर बनी है, इमेज हमारी बनी है बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में बनी है, ठीक है। साइज कैसा है पहले के मुकाबले, साइज बता दो कैसा है, स्मॉल है, और diminished. नेचर कैसा है, diminished. रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जैसा हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश करा था ना कॉनकेव मिरर के लिए, कि जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे लेके आते जा रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं है बहुत तेजी से आगे ले आते हैं, एक बार हमने इन्फिनिटी पर रखा फिर सीधा हमने यहाँ पर रख दिया, हम एक एक कदम आगे लेकर आते जाते हैं, पहले इन्फिनिटी पर रखा फिर एक कदम आगे यहाँ, फिर एक कदम आगे यहाँ, फिर एक कदम आगे यहाँ, तो जैसे ऐसे हम एक एक कदम आगे लेकर जाते जाते हैं, जो इमेज भी हमारी वो एक एक कदम पीछे होती जाती है, पहले यहाँ बनी थी F2 पे, अब इसके अगला कदम क्या है, F2 और 2F2 के बीच में, तो यहाँ बन गई, अब इसके अगला कदम क्या होगा, 2F2 के ऊपर, तो अगली बार कहाँ बनेगी, 2F1 पे रखूंगा तो 2F2 पर बन जाएगी, एक एक कदम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और एक एक कदम हमारी इमेज भी आगे बढ़ती जाएगी। अब मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट को एट 2F1, कहाँ रखेंगे, एट 2F1, ठीक है, ये हो गया हमारा, अरे यार ये लेकर आए हम सीधी लाइन, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गए हमारे ऑप्टिकल सेंटर भाई साहब, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, तो 2F1 के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, एक तो हम ले गए पैरेलल, जिसको हम पैरेलल ले गए वो टकराने के बाद कैसे जाने वाली है, फोकस से होती हुई जाने वाली है, उसे पास होने वाली, ठीक है, और जिसको हम लेकर जाएंगे फोकस से, जिसको हम लेके जाएंगे फोकस से, वो क्या हो जाएगी टकराने के बाद, ये क्या हो जाएगी टकराने के बाद, पैरेलल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, और ये बनी कहाँ पर है, दोनों मिलकर बनी कहाँ पर है, यहाँ पर बनी है, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट 2F1, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है एट 2F1, जो हमारी इमेज है, इमेज हमारी कहाँ बनी है, 2F2, इमेज हमारी बनी है एट 2F2, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, जो आप पहले करके आ चुके हो भैया, अगर हम इसको अगर हम एक लाइटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते तो नहीं बनती है, तो आर पार निकल जाती है ना, हाँ तो भी यही बनेगी, उस रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से सीधी लेकर आऊंगा ना तो भी वो यहीं पर आकर मिलेगी, बात वही पड़ेगी, हम ज्यादा रेज इसलिए नहीं बनाते ताकि कंफ्यूजन ना हो, कम से कम रेज में अगर काम चल रहा है तो हम अपना काम क्यों बढ़ाएं फालतू, है ना। अब कहीं पर अगर ऐसा होगा जहां पर इससे काम नहीं चल रहा होगा इन दोनों में से किसी पर, जैसे मैं F1 पर रख दूंगा तो फिर मैं F1 से पास नहीं करा सकता, फिर मैं दूसरे रूल का इस्तेमाल करूंगा, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, ये सी वाला केस है, जैसे मिरर में सी वाला केस था, हम सी पर रखते पर बनती थी, इसमें भी 2F1 पर रखी है तो 2F2 पर बनी है, ठीक है, क्लियर है भैया। अब आ जाते हैं हम अगले केस पर,
फोर। अब एक कदम और आगे ले आएंगे, बिटवीन 2f1 एंड f1, बिटवीन 2f1 एंड f1 ये हमने बनाया लेंस, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। अब मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में, एक लेके गया मैं पैरेलल, तो टकराने के बाद वो कैसी निकलेगी, फोकस से होती हुई निकलेगी, ठीक है, फोकस से होती हुई निकलेगी, और दूसरी जो है मैं फोकस से लेकर जाऊंगा, दूसरी में कहां से लेकर जाऊंगा, फोकस से लेकर जाऊंगा, तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कहां बनेगी, 2f2 के पीछे बनेगी, 2f2 के पीछे बनने लग जाएगी, ठीक है। भैया मेरे को पूछना था कि यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर से आपने एक लाइन पास करी ऊपर की तरफ, इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन जो है, वो अपर्चर है इसका? अपर्चर तो ये होता है कि मोटाई कितनी है, अपर्चर का मतलब होता है लेंस हमारा मोटा कितना, ये भी तो इसका साइज ही है, क्या साइज है ये, रे हमारी, रे हमारी साइज थोड़ी है, नहीं ये जो ऊपर आपने डॉटेड लाइन बनाई है, हाँ ये अपर्चर है, ऊपर की तरफ वर्टिकली पास हो रही है, हाँ ये इसका अपर्चर है। अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सेंटर बिल्कुल बीच में बनता है, हाँ, ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये हमारा अपर्चर का मतलब होता है कि हमारा लेंस कितना मोटा लिया आपने, जैसे हाइट में कितना बड़ा लिया, जैसे ये जो हाँ, है ये हमारा अपर्चर, इसके बिल्कुल बीच में बनता है ऑप्टिकल सेंटर, मिडल में बिल्कुल, हाँ मिडल में बनता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, बिटवीन 2f1 एंड f1, जो हमारी इमेज है, इमेज हमारी कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f2, इमेज हमारी कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f2। अब पहले के मुकाबले साइज क्या होने लग गया, बड़ा होने लग गया, पहले के मुकाबले साइज क्या होने लग गया, बड़ा होने लग गया, और रेस तो अभी भी असल में ही मीट कर रही है, तो ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा इसका नेचर। अब देख लेते हैं अगला केस नंबर 5, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट f1 यानी कि फोकस के ऊपर, जाने तेरी आंखें थी, ये हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। अब मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को f1 के ऊपर, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया f1 के ऊपर, तो एक तो मैं ले गया पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगी, ये f2 से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। अब मैं फोकस से तो ले आ नहीं सकता, दूसरे वाले रूल का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, तो अब मैं तीसरे रूल का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से ले जाऊंगा सीधा, सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो तो एकदम सीधा निकल जाती है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेस कैसी हैं, पैरेलल हैं, और जो भी रेस, जो रेस पैरेलल होती है वो कहां मीट करती है, इन्फिनिटी पर मीट, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है कहां पर, एट 2f1, जो हमारी इमेज है वो कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा इसका, साइज क्या होगा, लार्ज होगा इसका भी, और नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट केस एक बार, इसका लास्ट केस है केस नंबर 6, बिटवीन f1 एंड o, बिटवीन f1 एंड o, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और पहले वाले फोकस के बीच में, ये हो गया हमारा लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है f1, ये है 2f1, ये है f2, ये हो गया हमारा 2f2। अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा, एक तो मैं ले गया पैरेलल, पैरेलल ले गया तो कहां से निकलेगी, फोकस से होती भी निकलेगी, फोकस से, फोकस टोकस निकल गई, ठीक है। अब दूसरी वाली, दूसरी वाली हम देखेंगे,
एक तो पैरेलल ले गया था वो तो कैसे होती हुई निकली, फोकस से होती हुई निकली, एक ऑप्टिकल सेंटर पे मारेंगे, एक हम ऑप्टिकल सेंटर पे, एक ऑप्टिकल सेंटर पे मारेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर पे मारेंगे तो ये डाइवर्ज हो रही है, और जो डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो रही है तो कहां मिल रही होगी, पीछे बिहाइंड द लेंस, ठीक है बिहाइंड द लेंस हमारी मीट करेंगी, पीछे मीट करेंगी हमारी, यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? हाँ भैया, हाँ भैया क्लियर भैया। ये कहाँ पर मीट करेंगी एग्जैक्टली, मतलब 2F1 के पीछे मीट करेंगी ये? सबसे पीछे मीट करेगी। अच्छा ठीक, ठीक है, सबसे पीछे का मतलब समझ रहे हो ना, एट फाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस, हाँ भैया, लेकिन सबसे पीछे 2F1 के भी पीछे, ठीक है, हाँ ठीक है, बियॉन्ड जैसे उसमें, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, बिटवीन F1 एंड O, इमेज हमारी कहाँ बनी है, इमेज बनी है हमारी बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे। साइज कैसा है, साइज कैसा है पहले के मुकाबले, बड़ा साइज है, और नेचर कैसा है इसका, अब यहाँ पर हाँ जो रेज है वो असल में मीट कर रही है, इसलिए कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर है हमारा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केसेस थे, ये हमारे क्या थे, कॉन्वेक्स लेंस के केसेस थे। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भैया, नो भैया, एक बार सभी बच्चे ओके, एक बार सभी बच्चे ओके लिख दो अगर यहाँ तक क्लियर है तो, यहाँ तक अगर क्लियर है तो सभी बच्चे ओके लिख दो एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है ओके, चलो अब बच्चों अगर मैं इसकी भी टेबल बनाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने उसकी टेबल बनाई थी ना, इसकी भी मैं टेबल बनाता हूं। एक है हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक है हमारी इमेज की पोजीशन, एक है हमारा साइज, साइज हमारा नेचर, नेचर नेचर, ठीक है। तो एक एक करके, सबसे पहले हमारा, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, एट इन्फिनिटी, तो मेरी इमेज कहां बनी, एफ टू पर, इमेज मेरी कहां बनी, एफ टू पर। साइज कैसा था, और नेचर रियल एंड इनवर्टेड। फिर मैं एक स्टेप और लेके आ गया, क्या है, एट 2F1, तो इमेज भी मेरी बनी कहाँ, एट 2F2, साइज इस बार मेरा क्या था, सेम, और रियल एंड इनवर्टेड। चौथे केस में हम एक कदम और आगे लेकर आए, हमने रखा कहाँ पर, बिटवीन 2F1 एंड F1, 2F1 और F1 के बीच में रखा हमने, यहाँ पर रखा, ठीक है। तो एक कदम और आगे चले गए, हम कहाँ चले गए, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। साइज क्या होने लग गया, सेम के बाद पहले छोटा छोटा रहेगा और सेम होने के बाद बड़ा होने लग जाएगा, सेम होने के बाद क्या होने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा, लार्ज। नेचर हमारा क्या है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। फिफ्थ केस, फिफ्थ केस हम कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट 2F1, सॉरी F1 एंड O, इमेज मेरी कहां बनेगी, इमेज मेरी बनेगी कहां पर, एट इन्फिनिटी, ठीक है। साइज कैसा होगा इसका भी, बड़ा होगा, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। लास्ट केस हम कहां रखेंगे, बहुत पास ले आएंगे, बिटवीन F1 एंड O, इमेज बनेगी मेरी बियॉन्ड 2F1, पीछे चली जाएगी इस बार, बियॉन्ड 2F1, साइज मेरा अभी भी लार्ज होगा, और इस बार ये हो जाएगा वर्चुअल एंड वर्चुअल। तो बिल्कुल एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है बच्चों, देखो आपको स्केल लेकर, डायग्राम लेकर, मतलब कंपास वगैरह लेकर तो बताना नहीं है आपको, ऑब्जेक्ट को एक एक कदम बढ़ाते जाना है, और इमेज को भी आपको एक एक कदम बढ़ाते जाना है, जैसे मिरर में था, है ना। ये हमारा मिडिल वाला केस है, ये हमारा कौन सा है, ये मिडिल वाला केस है, जहां पर हम 2F1 पर रखते हैं तो 2F2 पर बन जाती है। इससे पहले की जो इमेज है वो सारी की सारी छोटी होंगी, और इसके बाद की जो इमेज है वो सारी की सारी बड़ी होने लग जाएंगी, है ना। इस पर हमारी इमेज कैसी होगी, सेम साइज की होगी,
ठीक है, तो एक थोड़ा सा आपको लॉजिक के साथ चलना है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप लॉजिक के साथ चल रहे हो तो आपका इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट के केस उसमें भी इम्पोर्टेंट थे और लास्ट के दो केस इसमें भी काफी इम्पोर्टेंट है, इनको तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। हाँ अभिषेक बोलो डाउट। हाँ भैया मैं कह रहा था जो 2F1 है और 2F2 है, क्या हम उसको C1 और C2 लिख सकते हैं? C1 और C2 लिख सकते हैं, पर वही वाली बात है ना, जैसे जो साइन कन्वेंशन है, अब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो अलग अलग किताब में न्यूमेरिकल के साइन कन्वेंशन अलग अलग हैं, पर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जो इमेज फॉर्मेशन है ना लेंस में, वो 2F1 कह रहा है बार बार। ठीक है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी की आदत डाल रहे हैं। वैसे हमारी गीत है, C1 बोलना गलत नहीं है, पर हम थोड़ा एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट देते हुए कि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी वाला नाम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है भैया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं। एग्जाम में हमें कोई कंपस वंपस से तो नहीं बनाना होगा ना? नहीं बेटा नहीं, इमेज फॉर स्केल तो यूज करना होगा। स्केल कर सकते हो यूज, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सीधा पेन से बना के आता था बच्चों, जब मैं आप लोगों की क्लास में था, हम तो पेंसिल स्केल तो लेके जाते नहीं। हमारी टीचर ने तो पेंसिल बोला है। आपकी टीचर ने पेंसिल बोला है, पर मैं आपको आपकी टीचर का तो नहीं बता सकता, आप स्कूल वालों की तो अपनी मर्जी होती है। मैं आपको बोर्ड का बता सकता हूँ कि आपकी अगर लाइन, जैसे मेरे जो लेंस है, मेरे लेंस बड़े खूबसूरत से नहीं बने ना, मेरे लेंस टेढ़े मेढ़े बने हैं और मेरी लाइनें भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन जो मेरी पोजीशन है, देखो जैसे इसको मैंने एकदम बढ़िया पोजीशन पे रखा हुआ है, यही करेक्ट पोजीशन है, इसको मैंने एकदम बढ़िया पोजीशन पे रखा है, ये करेक्ट पोजीशन है, जो मैं लेके जा रहा हूँ ये एकदम यहीं से करेक्ट पोजीशन से लेके जा रहा हूँ, इसको डाइवर्स करके दिखाना है तो मैंने डाइवर्स करके दिखा दिया, इसको पैरेलल लेके जाना है तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज का ध्यान रखना है। जैसे लाइन तो मेरी भी टेढ़ी है, लेकिन मैंने क्या करा, जहां पर जिस चीज की इंपॉर्टेंस है, जैसे इसको अगर मैंने गलत बता दिया, बियॉन्ड 2F1 मान लो मेरा यही मीट कर गया, मैंने यही बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा। जहां पर उसकी पोजीशन बनती है वहां पर बनाओ आप, जहां से जो जो रूल है, जैसे इनके बीच में रखना है इनके बीच में रखो, यहां पर से पैरेलल लेके जाना है पैरेलल लेके जाओ, F2 से पास होता है F2 से ले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, मतलब रूल्स को फॉलो करते रहो आप, लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। रे डायग्राम भी पेन से बनाए थे बोर्ड्स में? मैंने तो पेन से ही बनाए थे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे देखो ये कितना टेढ़ा मेढ़ा रे डायग्राम है, पर इसको कोई गलत नहीं कर सकता भैया। अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना होगा तो अभी हम इसमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। हाँ, इसमें F1 तक का। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें पोल नहीं है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर ही पोल का काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अब कॉनकेव लेंस पर चलें। हाँ भैया, इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव लेंस, तो जैसे हमारे मिरर के केस में जो दूसरा वाला मिरर था, कॉनकेव के अलावा कॉन्वेक्स था, उसके दो ही केस थे, इसके भी यहाँ पर दो ही केस बनते हैं। पहला बनता है एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर बनाने के लिए ये वाला जो लेंस है, ये वाला लेंस थोड़ा बनाना आसान होता है, ऐसे बना दिया हमने, ये हमने ये काम कर दिया, ये हमने ऐसा कुछ कुछ कर दिया। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर कर दिया, ये F1 कर दिया, ये 2F1 कर दिया, ये F2 कर दिया, ये 2F2 कर दिया। ठीक है, अब पहले तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी इन्फिनिटी से आ रही है तो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। ठीक है, ये पैरेलल लेके आ गया, ये भी कैसे लेके आ गया, पैरेलल लेके आ गया। अब पैरेलल में लेके तो आ गया, लेकिन ये लेंस तो कैसा है, कॉनकेव लेंस है, ये तो फैलाएगा, ये तो क्या करेगा, फैला देगा उसको, ये लो फैल जाओ, तो हमने भी फैला दिया इसको, ये लो फैल गई। ठीक है, अब ये यहाँ से तो फैल गई, हम इसको पीछे लेकर जाएंगे, पीछे लेकर जाएंगे तो ये मिल जाएगी F1 पर, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी, और जो हमारी इमेज हमारी कहाँ बनी है, एट F1। इसीलिए बच्चों इसकी इम्पोर्टेंस है, मैं आपको कह रहा था सिर्फ F लिख कर काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो फोकस है, है ना। अब अगर आपने सिर्फ F लिख दिया तो टीचर क्या समझेगा, यहाँ पर बनी है इमेज की यहाँ पर बनी है, तो आपको बताना पड़ेगा एट F1। ठीक है, जल्दीबाजी में बच्चों को लेंस के केस में F1 F2 लिखने की आदत नहीं होती है, आपको थोड़ा सा फोकस होकर चलना है, अपने दिमाग को शांत रखना, तभी आप बढ़िया से पेपर कर पाओगे। आता तो सबको है पर जल्दीबाजी नहीं करनी है। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, और नेचर क्या होगा इसका, अब असली में तो मिली नहीं है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर हो जाएगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, दूसरा केस की बात कर लेते हैं, दूसरे केस की बात कर लेते हैं, दूसरा केस है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। दूसरा केस क्या हमारा, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस,
फाइनाइट डिस्टेंस। अब फाइनाइट डिस्टेंस कहाँ होगा, जैसे जब हम मिरर की बात करते थे कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसमें तो कोई जगह नहीं थी रखने की। यहाँ पर हमारे पास जगह है, हम कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैं पहले बना देता हूँ इसको, ये हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने बनाया F2, ये हमने बनाया 2F2, ये हमने F1 बोल दिया, ये हमने 2F1 बोल दिया। बच्चों देखो, इतनी जल्दीबाजी में आपको समझाते हुए काम कर रहा हूं, पर देखो छोटी छोटी चीजें मैं कभी भी नहीं भूल रहा, हमेशा मैं ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन खींच रहा हूं। एक भी डायग्राम ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन नहीं खींची। लेकिन अभी पेपर ले लूंगा आप लोगों का, कोई ना कोई बच्चा पक्का मिल जाएगा मेरे को जिसने बीच में लाइन नहीं खींची होगी और ऑप्टिकल सेंटर नहीं बनाया होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। हाँ, सब याद कर ले। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रख सकता हूँ, 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 यहाँ भी रख सकता हूँ। जब मैं बात करता था इसकी कॉन्वेक्स मिरर की, तो हमारा तो क्या होता था, इस तरफ हमारा कुछ होता ही नहीं था, हमारा सी भी इधर ही होता था, एफ इधर ही होता, तो हम बोलते थे हम रखे कहाँ, इधर कुछ है तो नहीं रखने के लिए, तो कहीं भी रख लो बात, उसको हम फाइनाइट डिस्टेंस ही बोलते थे। लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास रखने के लिए जगह है ना, मैं उसको एफ टू के ऊपर, एफ वन के ऊपर रख सकता हूँ, है ना, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। पर हमने आपको क्या बोला कि आप कहीं भी रख लो, आप उसको कहीं भी रख लो, रिजल्ट सेम ही आ रहा है। आप उसको रख तो सकते हो अलग अलग जगह पर रखने से फायदा क्या है, रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, तो आप कहीं भी रख लो, आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है, अब मैं यहाँ रखू, यहाँ रखू, यहाँ रखू, कहीं भी रखू, केस तो अलग अलग है, आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, लेकिन रिजल्ट सेम ही आ रहा है, आंसर सेम ही आ रहा है। इसका मतलब इसके केस तो बन सकते हैं छह, लेकिन हम बना नहीं रहे। क्यों? क्योंकि बाकी के पांचों केस का आंसर सेम ही आ रहा है, तो फिर हम अलग अलग केस बनाए क्यों? अब मैंने मान लो यहाँ रख दिया, एक में लेके गया पैरेलल, एक में लेके गया पैरेलल, तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये फोकस से ऐसे डाइवर्ज होगी कि पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो फोकस पर मिलती होगी, ऐसे पीछे खींचेंगे तो फोकस है ना, पीछे खींचेंगे तो फोकस से मिलेगी। और दूसरी हमने क्या बोला, दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर वाला अगर ले लें, ऑप्टिकल सेंटर वाला क्या होता है, सीधा जाता है, सीधा जाता है। अब ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमारा एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, आप कहीं पर भी रख लो, कहीं भी रख लो, रिजल्ट आपका सेम ही आना है। इमेज हमारी कहाँ बन रही है, बिटवीन F1 एंड O, कहीं पर भी रखोगे, अगर मैं F1 और O के बीच में भी रख दूंगा ना, तब भी मेरी F1 और O के बीच में ही बनेगी। अगर मैं इसके बीच में रख दूंगा F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को, तब भी इमेज मेरी यही बनेगी। साइज क्या है, पहले के मुकाबले स्मॉल हो गया, और नेचर क्या है, नेचर है मेरा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये मेरा नेचर हो गया इसका, ठीक है। इसकी भी एक बार को टेबल डिस्कस कर लेते हैं बनाकर, ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रख रहे हैं, फिर खत्म हो जाएगा बीए चैप्टर, साइन के लिए अभी न्यूमेरिकल कहीं पे रखेंगे तो बनेगा बीए इसका, वहीं रखेगा बेटा, आप घर पे बैठ के आराम से बना के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से एक्सप्लोर करा करो चीजों को कि चलो मैं यहाँ रख के देखता हूँ, यहाँ रख के देखता हूँ, खुद से आप बैठ के रख के देखना, आप पाओगे हमेशा हम वहीं पर रख रहे हैं और वही मिल रहा है। ऑब्जेक्ट को मैंने एक बार रखा एट इन्फिनिटी, इमेज बनी मेरी एट F1, F1 पर बनी है। साइज कैसा है, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। नेचर मेरा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस था हमारा एट अ फाइनाइट दूरी, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, दूरी डिस्टेंस, ठीक है। इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इमेज हमारी तब भी कहाँ बनेगी, बिटवीन F1 एंड O, साइज क्या होगा, पहले के मुकाबले छोटू साइज होगा, और छोटू साइज होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इसका टेबल हो गया। इमेज फॉर्मेशन इतनी ही है बच्चों, इमेज फॉर्मेशन के में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आपके इस चैप्टर में आएंगे न्यूमेरिकल्स, जैसे मिरर के न्यूमेरिकल थे वैसे लेंस के न्यूमेरिकल्स आएंगे। चैप्टर आपका खत्म, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, दो मिनट का टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस का, उसमें कुछ नहीं कराना, बस एक डेफिनेशन करानी, एक फॉर्मूला लिखाना है, ठीक है, वो आपका खत्म हो जाएगा, उसके इतने सारे न्यूमेरिकल्स भी नहीं बनते। तो कहने का मतलब है अब आपका चैप्टर ही ऑलमोस्ट खत्म है, अपनी तैयारी पर लग जाओ। मैंने इस चैप्टर के हाफ चैप्टर का पेपर लिया था, अब मैं फुल चैप्टर का पेपर लूंगा इसका, ठीक है। आज की क्लास से आपका जो होमवर्क है, आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है, ड्रॉ ड्रॉ
ऑल इमेज ये पावर ऑफ लेंस वाला अगली क्लास में करवाओगे? नहीं, पहले हम न्यूमेरिकल सीखेंगे. ड्रॉ ऑल इमेज फॉर्मेशंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेस. ठीक है, टू टाइम्स, दो बार कर दिए, कॉनकेव की भी दो बार, कॉन्वेक्स की भी दो बार. इतना सा ही आपका होमवर्क है, इतना करके मिलना, छोटा सा पोर्शन बच्चों, इतना सा छोटा सा पोर्शन आपको मार्क्स देके जाएगा. इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा आपका बोर्ड्स के पेपर में. अपना तैयार कर लो, क्यों इतनी बात का इंतजार कर रहे हो, पहले से चीजों को तैयार करके रखो ना. आई बात समझ में? पैक कर लूंगा, अपना तैयार करके पैक करके उसमें रिबन लगा के रख लो उसको साइड में, कि हमारा फाइनल के लिए तैयार हो चुका ये टॉपिक. फाइनल में बस ऊपर ऊपर से आपको कपड़ा मारना होगा, फिर सीधा गिफ्ट दे देना बोर्ड में जाके. ठीक है, नेम स्लिप लगा के. हाँ चलो, तो यहीं तक बच्चों, हमारे वो अगला मैथ्स का टेस्ट कब होगा ये बता दो. बता दूंगा अब, चैप्टर नंबर 3 का लूंगा तुम्हारा, उसकी बात अब यहाँ मत करो. तुम्हारा जो है एक एक बंदा एक एक मैच जीत गया है ना, एक ललित जीत गया, एक अभिषेक जीत गया. भैया मैंने आपको दूसरा भेजा है. कोई बात नहीं बेटा, वो चेक थोड़ी होगा. ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही था, आज की क्लास में इतना ही था. होमवर्क बिल्कुल ईमानदारी से प्रॉपरली सभी बच्चे कर लीजिएगा. ठीक है,